वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों के बारे में, जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रीवियस क्लास में हम आपको संज्ञा संबंधी अशुद्धि और सर्वनाम संबंधी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्रिया संबंधित, यानी कुल देखा जाए तो अभी तक 3 क्लास हो चुका था। चौथी क्लास आज देखेंगे विशेषण संबंधी अशुद्धियों के बारे में। विशेषण संबंधी अशुद्धि क्या होती है, कैसे विशेषण से संबंधित शब्दों को हम सुधारते हैं, किस प्रकार से उसकी त्रुटियों को पकड़ते हैं और वाक्य में एक बेहतर तरीके से व्याकरणिक स्वरूप में निखार लाते हैं। तो आज की हेडिंग होगी विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि। आप नियम पढ़ने चल रहे हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धि, विशेषण नहीं सॉरी क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण। अभी हम देखिए क्रिया विशेषण की चर्चा के, क्रिया विशेषण जिसको ये देखा जाए क्रिया विशेषण ये अव्यय के अंतर्गत आता है। इसको अगर हिंदी व्याकरण में देखें तो अव्यय के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब यहाँ एक प्रश्न ये बनता है आपके मन में, बनना भी चाहिए, कि आखिर ये अव्यय होता क्या है। अव्यय कहा जाए जिसका लिंग वचन क्रिया, लिंग वचन आदि के आधार पर या पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार न उत्पन्न किया जा सके, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव न किया जा सके, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जा सके, ऐसे शब्द जो इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए सक्षम होते हैं, जो इस परंपरा का पालन करते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम व्याकरण में अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में अव्यय को अलग से इंक्लेशन के रूप में रखा गया है, लेकिन अव्यय ये हिंदी व्याकरण में अव्यय के अंतर्गत कई अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कई अलग अलग शब्द भेद हैं, जिसमें सबसे पहला श्रेय आता है क्रिया विशेषण का। इसके बाद देखेंगे समुच्चय बोधक का और लास्ट में संबंध बोधक का। यहाँ जो हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से आज सीखेंगे वो अव्यय के अंतर्गत ही क्रिया विशेषण के बारे में सीखेंगे। तो अव्यय क्या होगा, अव्यय ध्यान से देखेंगे, अव्यय वह शब्द होता है, यानी ऐसे शब्द को हम शब्द भेद के अंतर्गत रखते हैं अव्यय के अंतर्गत, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन क्रिया, जिसमें किसी भी प्रकार का वचन लिंग या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न किया जा सके, तो उसको हम अव्यय कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लें कि इस हाल की बात अगर हम करें कि इस हाल में कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ बोला गया इस हाल में या इस क्लास में कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ कुछ लड़के की जगह अगर हम लड़कियाँ बोल दें, यानी लिंग का परिवर्तन कर दें, इस हाल में कुछ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो लड़के की जगह पढ़ रहे, वहाँ लड़के बोलना पड़ा क्रिया में, पढ़ रहे हैं, ले यहाँ लड़कियाँ बोला बोले तो लड़कियाँ बोल दिए, तो लड़कियों में पढ़ रही हैं बोला जा रहा। और दूसरी चीज़ यानी रहा की जगह रही करना पड़ा, लड़के की जगह लड़कियां करना पड़ा। अब लेकिन नई बात क्या है, इस हाल में पर जरा विचार करिए, चाहे हम लड़की बोलें चाहे लड़का बोले, यानी मेल हो फीमेल हो, पुलिंग हो स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो बहुवचन हो, लेकिन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। तो जब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, इस पूरे वाक्य में अगर पूछा जाए इसमें क्या है, किस कौन सा शब्द अव्यय की भूमिका निभाएगा, तो आपको ये कहना होगा कि मैं एक ऐसा शब्द है पूरे वाक्य में जो कि अव्यय की भूमिका निभा रहा, जिसका किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में कहीं भी व्यय नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, विकार नहीं हो रहा। तो जिस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जा सके, किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे ही शब्द को हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के अंतर्गत आज जो पहली क्लास आप लोग ले रहे हैं, पहली क्लास पढ़ रहे हैं, वो क्रिया विशेषण से संबंधित। क्रिया विशेषण क्या होता है ये अव्यय तो आपके समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न सबसे पहले ये होना चाहिए, इसका समाधान मिल जाना चाहिए कि आखिर ये क्रिया विशेषण क्या होता है, तब समझ में आएगी इसकी शुद्धि अशुद्धि। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण की परिभाषा आप लोग पढ़े हैं, विशेषण के बारे में जान चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन आखिर ये क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया विशेषण जब विशेषण होगा संज्ञा सर्वनाम को विशेषित करेगा, क्रिया शब्द जुड़ गया स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, इसका कहीं ना कहीं भाव क्रिया पर पड़ेगा।
तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन केवल इतने से ही क्रिया विशेषण नहीं हो जाता। क्रिया विशेषण की अपनी एक अलग पहचान होती है। क्रिया विशेषण कभी कभी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाता है, यानी अपनी विशेषता स्वयं भी बताने लगता है। तो जब क्रिया विशेषण, यानी जब कोई क्रिया विशेषण अपनी विशेषता या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो उसको भी हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसको देखा जाए तो क्रिया विशेषण इसको अलग अलग स्वरूपों में विभाजित किया गया। तो पहले यहाँ देखते हैं, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा पहले लिख लीजिए, इसको डिफाइन कर लीजिए कि जो शब्द पहले तो हम जो सामान्य सी परिभाषा जिसको आप लोग जानते हैं उससे रिलेटेड बताएंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे या विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए एक नई बात, कैसे कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा, किस प्रकार से क्रिया को मॉडिफाई करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ध्यान देना है, क्रिया की विशेषता बताने के लिए सबसे पहले आपको क्रिया लाना होगा। जैसे कहा जाए कि रोहित दौड़ता है, एक शब्द दे दिया गया, दौड़ता है। अब इसमें चलेंगे तो रोहित क्या हो गया, संज्ञा, और रोहित के द्वारा दौड़ने का काम हो रहा है तो दौड़ना हो गया क्रिया। रोहित के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसी को हम क्रिया बोलेंगे। कर्ता के द्वारा या संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो काम किया जाता है या जिस पर संज्ञा या सर्वनाम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिस काम को अंजाम देता है उसी को हम क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो रोहित के द्वारा दौड़ने का काम हो रहा है। जब रोहित के द्वारा दौड़ने का काम हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि दौड़ना क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा, इसको हम क्रिया बोलेंगे। रोहित को क्या बोलेंगे, संज्ञा। दूसरे सरल शब्दों में इसी को हम कर्ता भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ जो प्रश्न है, जो इस बिंदु के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से जो प्रश्न आपके सामने इमर्ज कर रहा है, जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है, ध्यान देने की बात है कि आखिर ये क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया तो समझ में आ गया, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होगा, तो क्रिया विशेषण वह होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, जो किसी क्रिया की को विशेषित करे, किसी क्रिया पर अपना प्रभाव डाले। तो तीन शब्दों के माध्यम से पकड़ सकते हैं, क्रिया को विशेषित करे, क्रिया पर प्रभाव डाले, क्रिया की पहचान प्रकट करे, ऐसे ही शब्द को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा वाक्य है, इसमें हमको क्रिया विशेषण शो करना है, तो रोहित दौड़ता है। अब यहीं अगर हम बोल दें कि दौड़ता की जगह रोहित तेज दौड़ता है, ये हो गया। अब रोहित तेज दौड़ता, आखिर ये दौड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तेज का, या यूं कह सकते हैं तेज किसके लिए लाया गया, रोहित के लिए या फिर दौड़ने के लिए। रोहित के लिए नहीं, दौड़ने के लिए लाया गया, क्योंकि दौड़ना ना होता तो तेज का अपना कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तेज का अपना कोई महत्व ही नहीं होता। इस तरह से इस वाक्य में तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण आप समझ सकते हैं कि जिस शब्द का प्रभाव किसी क्रिया पर पड़ता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में क्रिया को प्रभावित करने में सक्षम होता है, ऐसे ही शब्द को या ऐसे ही शब्दों के समूह को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की अपनी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, अपनी एक विशेषता और भी होती है। क्रिया विशेषण की एक दूसरी विशेषता क्या होती है कि यह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाता है। यद्यपि कुछ लोग क्रिया विशेषण को अलग रूपों में भी जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रविशेषण है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एकदम भूल जाइए। तो क्रिया विशेषण की अपनी क्या विशेषता है कि अपनी भी विशेषता बता लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण को भी विशेषित करने में सक्षम होता है। जैसे अपने समाज में ले लीजिए, इस मानव समाज में बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, यही पूरे दुनिया को संचालित कर रहा है, अगर प्रकृति के बाद अगर देखा जाए तो ध्यान देंगे कि क्रिया विशेषण क्या हो सकता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कहें, अब यहीं मान लीजिए दिया गया है कि रोहित तेज दौड़ता है, रोहित बहुत तेज, एक शब्द जोड़ दे, बहुत तेज दौड़ता है। चलिए जोड़ कर देखते हैं, रोहित बहुत तेज दौड़ता है। तो रोहित हो गया संज्ञा या कर्ता, दौड़ना हो गया क्रिया, तेज हो गया
क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताया, ये विशेषता बताया दौड़ने की, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण जो दिया गया है, इस क्रिया विशेषण की विशेषता भी एक शब्द बता रहा बहुत, तो जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसको भी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये केवल क्रिया विशेषण में ही ये क्षमता पाई जाती है जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। इसका मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब क्या हुआ कि अपनी बड़ाई स्वयं कर लेना। अपने इस समाज में देखिए, हमारे समाज में देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की तारीफ करने में ही अपना इंटरेस्ट समझते हैं। दूसरे की तारीफ, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करेंगे, कोई बुरा कर रहा है तो उसकी बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल अपनी ही तारीफ सुनना भी चाहते हैं, अपनी तारीफ करते भी हैं, दूसरे की तारीफ बिल्कुल नहीं पसंद करते। ऐसे लोगों के लिए हिंदी व्याकरणविद एक मुहावरा बनाए हैं, उनको कहा जाता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी बड़ाई स्वयं करना। तो जब कोई क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की बड़प्पन करता है, बड़ाई करता है, तारीफ करता है, विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता, क्वालिफाई करता है, तो ऐसे ही शब्द को भी हम क्रिया विशेषण ही कहेंगे। इसको प्राविशेषण भूल से नहीं कहिएगा, प्राविशेषण वो होता जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसको प्राविशेषण, नहीं तो क्रिया विशेषण को भी आप प्राविशेषण समझ जाएं। जैसे प्राविशेषण से क्या मतलब है, जैसे कहा जाए कि कविता सुंदर लड़की है। अब कविता सुंदर लड़की है तो सुंदर किसके लिए लाया गया, लड़की के लिए लाया गया। लड़की क्या है, संज्ञा है, संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सुंदर शब्द लाया गया। अब सुंदर की यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहेंगे। यही शब्द अगर हम यूज करें कि कविता बहुत सुंदर लड़की है, कविता खूबसूरत लड़की है, कविता बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत किसके लिए लाया गया, बहुत लाया गया सुंदर के लिए। सुंदर क्या था, विशेषण था, और विशेषण की विशेषता बहुत बताया, तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। जब विशेषण की विशेषता कोई शब्द बताता है उसको प्रविशेषण, और जब क्रिया विशेषण ही क्रिया विशेषण की विशेषता बताता तो उसको भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं, उसको प्रविशेषण नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि कैसे पूछी जाती, इसका क्या अपना सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इसमें क्रिया विशेषण में आपको तीन प्रकार की क्रिया विशेषण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वो तीन प्रकार की क्रिया विशेषण कौन कौन सी, एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, एक होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और एक होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीन प्रकार की क्रिया विशेषण को पहले पहचानना सीखिए, समझिए, इसके बाद फिर इसकी शुद्धियों अशुद्धियों पर आप बेहतर तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, और जो भी गलती दी रहेगी एग्जाम में उसको तुरंत पहचान भी लेंगे। तो हमने क्या क्या बताया, पहला नाम लिया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो तीन क्रिया विशेषण को आपको बहुत अच्छे से पकड़ना होगा। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। दूसरा ध्यान देना होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब किसी को मृत्यु नहीं, काल का मतलब हुआ समय। कुछ लोग गाँवों में देखते होंगे, बोल देते हैं भैया उनका काल आ गया, उनका मृत्यु आ गई, उनका समय आ गया। तो वहाँ भी अगर देखा जाए कि काल तो कहीं ना कहीं समय से उसका लेना देना है। अब यहाँ जो फिर मन में एक भ्रम उठता है, प्रश्न उठता है, जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, वो क्या है कि आखिर एक क्रिया विशेषण तो समझ में आ गया, क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन ये कौन सी आफत आ गई कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। रीत 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 को इंग्लिश में मैनर कहा जाता है। इंग्लिश अगर लिख दें तो अच्छे से पकड़ लेंगे। मैनर, मैनर मतलब क्या होता है, तरीका। एक गाना भी सुने होंगे, अब कौन गाया है ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन गाने को आप लोग अक्सर सुनते हैं, सुनते आए होंगे, है रीत जहाँ की, है प्रीत जहाँ की, रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इसका मतलब जहाँ की नियम ही, जहाँ का तरीका ही प्रीति है, आपस में मिलने मिलाने का तरीका ही जहाँ का है, तो मैं उस देश का वासी हूँ, उसी देश की सारी बातें बताता हूँ। तो यहाँ पर रीत का मतलब क्या हुआ, रीत का मतलब हो गया तरीका। तरीका कौन सा, जिस तरीके से कोई काम किया जाता है उसको रीत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि वो दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गया। अब अगर हम कहें कि वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का तरीका क्या हो गया, दौड़ने की रीत क्या हो गई, तेज।
तो तेज क्या हो जाएगा? रीतिवाचक, जो किसी घटना के घटित होने का, किसी क्रिया के होने का, किसी क्रिया के संपादित होने का, किसी क्रिया को पूरा होने का जो तरीका बताता है, ऐसे शब्द को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रीतिवाचक समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण भी ले लीजिए, जैसे कहा जाए कि मेरा भाई धीरे धीरे पढ़ता या धीमा पढ़ता है, तो मेरे भाई के पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ता है। अब पढ़ने का तरीका क्या बताया गया? धीमा पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह तेजी से खाता है, वह बहुत तेज हंसता है। ये सब तरीका हो गया, जो काम करने का तरीका बताया उसी को क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम कहेंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया जो तरीका बताता है, मैनर मतलब क्या हो गया? तरीका, तरीका मतलब कार्य करने का तरीका। अब दूसरी बात आती है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जब कोई घटना कहीं पर घटित हो रही है, घटित होने का उसका प्रॉपर प्लेस दे दिया जाए, उसका स्थान दे दिया जाए, उसकी स्थिति, उसके स्थान के बारे में जिक्र हो, तो ऐसे क्रिया विशेषण को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, काल मतलब होता है टेंस, टेंस मतलब समय, समय मतलब होता है कि जिस समय कोई घटना घटित हो रही है या कोई घटना घटित होने का जो समय निर्धारित किया गया है, जिस समय को इंगित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत समय आएगा, और समय जब आएगा तो किसी घटना के घटित होने का समय बताया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि वह अपनी किताब पढ़ता है, तो वह अपनी किताब पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पर कैसे पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कब पढ़ता है, कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ना तो रीतिवाचक है, ना तो कालवाचक है, और ना ही स्थानवाचक है। यही अगर हम कहें वह अपनी किताब इस कमरे में पढ़ता है, तो इस कमरे में पढ़ना है, पढ़ता है, इसका मतलब पढ़ने का स्थान बता दिया गया। तो इस कमरे में क्या बोल दिया गया? कालवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह इलाहाबाद में रहता है, इलाहाबाद में रहता है, इसका मतलब उसके द्वारा रहने की बात हो रही है। कहाँ रहता है? इलाहाबाद में रहता है, प्रयागराज में रहता है। प्रयागराज क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कुछ लड़के छत पर शोर कर रहे हैं, अब कुछ लड़के छत पर शोर कर रहे हैं, तो शोर करना क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। और कहाँ शोर कर रहे हैं? छत पर। छत क्या हो गया? स्थान बता दिया गया। तो ऐसे शब्द को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तीसरी बात पर आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कहा जाए कि वह सुबह अपनी किताब पढ़ता है, तो उसके द्वारा पढ़ने की बात हो रही है, कब पढ़ेगा? सुबह पढ़ेगा। तो सुबह क्या बता रहा? किसी न किसी समय को बता रहा। जब किसी न किसी समय को बता रहा, तो इसका मतलब है कि क्रिया पर उसका प्रभाव समय के रूप में पड़ रहा है। जब कोई क्रिया समय के द्वारा प्रभावित होती है, या यूं कहें किसी क्रिया के साथ उसका समय भी जोड़ दिया जाए, तो जो समय सूचक शब्द होता है, ऐसे ही समय सूचक शब्द को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ध्यान देना है, ये जो सारी बातें बताई जा रही है, उसके साथ कोई न कोई क्रिया आनी चाहिए। अगर क्रिया नहीं आ रही है, तो उसको हम क्रिया विशेषण के रूप में ना लेकर के उसको संज्ञा के रूप में ले लेंगे। जैसे कोई स्थान आता है, उसके साथ क्रिया ना दी जाए, मान लीजिए हम बोल दे प्रयागराज, इलाहाबाद, आनंद भवन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बम्बई, कुछ भी बोल दिया जाए, इसके साथ कोई क्रिया न दी गई होती, ये संज्ञा को बताएगा। लेकिन जब इसके साथ कोई क्रिया दी रहेगी, तब यही शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो इस बात को विशेष फोकस करिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। अब तीनों चीज़ें, तीनों बातें आपके समझ में आ गई कि रीतिवाचक क्या हो सकता है, स्थानवाचक क्या होगा, और कालवाचक क्या होगा। अब यहाँ जो आपका मूल उद्देश्य है इस टॉपिक के माध्यम से, कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सुधारेंगे, इसमें त्रुटि कैसे दी जाती है, अशुद्धियाँ कैसे दी जाती हैं, किस तरह से ऐसे प्रश्नों से हम निजात पाएंगे, ऐसे प्रश्नों का हम समाधान कैसे करेंगे, इन सारी बातों पर एक एक करके अवलोकन करेंगे। बहुत ही मूल कीवर्ड है, एक शब्द के माध्यम से आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी भी क्रिया विशेषण से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा। ध्यान क्या देने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा इसमें आफत नहीं, बड़ी आसान बात हम आपको बताने चल रहे हैं कि जब किसी वाक्य में ये तीनों क्रिया विशेषण अलग अलग आता है, यानी किसी क्रिया के साथ तीनों क्रिया विशेषण अलग अलग आता, अलग अलग मतलब अकेले में रीतिवाचक आए, अकेले में स्थानवाचक आए, अकेले में कालवाचक आए, तब इनके लिए कोई लफड़ा नहीं है, इनको हम क्रिया से पहले रख देते हैं, इनको तब क्रिया से पहले रखेंगे। तो ध्यान देना है, इसका रूल हम लिखवा दें, आप लोग नोट कर लीजिए कि जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में उपर्युक्त तीनों क्रिया विशेषण, उपर्युक्त मतलब तीनों, ये
उपर्युक्त तीनों क्रिया विशेषण, उपर्युक्त तीनों क्रिया विशेषण अलग अलग पूछा जाए, क्रिया विशेषण अलग अलग आए, अलग अलग आए तो इसे क्रिया से पहले, इसे क्रिया से पहले रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अलग अलग आता है तो इसे क्रिया से पहले रखेंगे, इसे क्रिया से पहले रखेंगे। किंतु अब किंतु खतरनाक है, ये आपको ध्यान दिलाने वाली बात है। किंतु में क्या हो गया, जब तीनों एक साथ आ जाएं, चलिए तीनों को लिख दे रहे हैं, तीनों या कोई दो एक साथ आ जाए, तीनों या कोई दो एक साथ आए तब क्या करेंगे, तो इनके रखने का क्रम निम्न होगा। कौन सा निम्न होगा, देखते हैं कौन सा होगा। इनके रखने का क्रम निम्न होगा, यानी जब अकेले अकेले आता है तो इनको हम क्रिया से पहले रखेंगे, लेकिन जब अकेले अकेले नहीं आता है तो क्रिया से तो पहले आएगा, लेकिन किस क्रम में कौन सा आएगा ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हम लेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया से पहले आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसके बाद स्थानवाचक और लास्ट में आएगा कालवाचक। तो अगर इनको अलग अलग रखा जा रहा, अकेले अकेले आ रहा है ये, तो सबसे पहले हो जाएगा रीतिवाचक के बाद आएगा स्थानवाचक के बाद आएगा कालवाचक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा समीक्षा अधिकारी में। भाई देखिए, एक एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाना है, और जब तक आपको सारी बारीकियां नहीं मालूम रहेगी, सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पाएंगे, यानी जो यथाउचित उत्तर देने की अपेक्षा होती है उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो नियमों पर तो पैनी नज़र डालनी होगी, नियम ध्यान से पढ़ना होगा। बहुत कठिन हम थोड़ो आपको बता रहे हैं, बहुत आसान नियम है। आसान नियम क्या है, आसान नियम ये है कि जब किसी वाक्य में रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कौन रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, बोलने में किसी भी क्रम में बोल सकते हैं, ये तीनों क्रिया विशेषण किसी वाक्य में अलग अलग आए, यानी केवल क्रिया के साथ स्थानवाचक आ जाए, किसी क्रिया के साथ रीतिवाचक आ जाए, किसी क्रिया के साथ कालवाचक आ जाए, तो जब तीनों अलग अलग आएंगे तो इनको हम क्रिया से पहले रखेंगे, यानी वर्ब से पहले रखा जाएगा। लेकिन खतरा होता ही है, ये शब्द अपने में खुद ही खतरनाक है। जब तीनों एक साथ या कोई दो एक साथ आ जाए तो क्रिया से तो पहले रखा जाएगा, लेकिन क्रिया से पहले रखने का तरीका क्या होगा, पहले हम रखेंगे रीतिवाचक को, यानी जो काम करने का तरीका बताता है, किसी क्रिया के होने का तरीका बताए, इसके बाद रखेंगे स्थानवाचक को जो किसी घटना के घटित होने का स्थान बताए, और इसके बाद लास्ट में रखेंगे कालवाचक को, तो जो किसी घटना के घटित होने का, किसी घटना के संपादित होने का, किसी क्रिया के पूरा होने का काल बताता है उसको हम कालवाचक, यानी समय बताता है उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर कह दिया जाए, वह प्रसन्नतापूर्वक यहाँ सुबह खेलता है, ये दे दिया गया। अब इसमें देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको समझा दें, दो वाक्य हम दे रहे हैं, वह दूसरा वाक्य लीजिए, वह सुबह प्रसन्नतापूर्वक यहाँ खेलता है,
अब आप में एक दे दिया गया है, एक वाक्य पूछा जाएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। अब आपके निपुणता, आपकी दक्षता का परीक्षण होगा, आप कितने कुशलता से पढ़े हैं। अब देखते हैं वह क्या हो गया, वह हो गया, वह देखेंगे तो यह हो गया कर्ता, यानी सर्वनाम के रूप में आया। दूसरा प्रसन्नता पूर्वक, तीसरा यहाँ है, चौथा सुबह है, अगला खेलता है। एक एक शब्द पर विचार करिए। खेलता है क्या है, क्रिया है। अब खेलना से पहले कुछ अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनको पहचान लीजिए। प्रसन्नता पूर्वक की बात करें, ये प्रसन्नता पूर्वक क्या है, प्रसन्नता पूर्वक हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक ये खेलने का तरीका बता रहा है ना, प्रसन्नता पूर्वक ये तरीका है। तरीके को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैनर कहते हैं, इसी को रीति कहा जाता है, इसी को रीति भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ शब्द दिया गया है, जब यहाँ दिया गया है तो यहाँ क्या है, यहाँ देखा जाए तो ये किसी न किसी स्थान को बता रहा है, ये तो स्थान को बता रहा है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे बाएं दाएं, ये सब स्थान को बताता। अगला देखें, सुबह शब्द दिया गया, सुबह दिया गया तो ये क्या बता रहा, ये समय को बता रहा, सुबह शाम दोपहर, ये सब समय सूचक शब्दावली होती है, समय हो गया। और तीसरा शब्द दिया गया खेलना, खेलता है, तीसरा खेलता है दिया गया, जब खेलता है दिया गया तो आपको तो पता ही है खेलना क्या हो जाएगा, खेलना हो जाएगा, खेलता है दिया गया, खेलना हो जाएगी एक क्रिया। अब इसी क्रिया के लिए सारा ड्रामा रचा गया, इसी क्रिया के लिए सारी बातें लाई गई हैं, तो इसी क्रिया के लिए सारी बातें लाई गई हैं तो इसी में आपको अपनी कुशलता भी दिखानी है। अब देखिए मैं आपको नियम क्या बताए, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक एक साथ आए तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता देंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण को, तो प्रसन्नता पूर्वक रीतिवाचक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद वरीयता के क्रम पर हम रखते हैं, रीत के बाद देखेंगे स्थानवाचक को, यहाँ स्थानवाचक बता रहा, ये भी ठीक है। इसके बाद कालवाचक को बताएंगे, सुबह कालवाचक को बता रहा, इसका मतलब ये वाक्य सही है और दूसरा वाला वाक्य गलत है। कारण क्या, पहले कालवाचक हो गया, फिर रीतिवाचक हुआ, फिर स्थानवाचक हुआ, देखने में दूसरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहला गलत लग रहा है। लेकिन व्याकरण ये कहता है, ग्रामेटिशियन से ये कहते हैं या व्याकरणविद ये कहते हैं कि सबसे पहले रीतिवाचक, फिर स्थानवाचक, फिर कालवाचक। इस मापदंड पे पहला सेंटेंस खरा उतर रहा है, इसलिए पहला एकदम सही है, दूसरा गलत है। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि एक पूछा ही जाएगा, इसको अवॉइड मत करिएगा, इसी तरह से ध्यान रखिएगा। कहीं भी कोई आता है किसी प्रकार का कोई रीत, तीनों अगर क्रिया विशेषण से प्रश्न आता है तो आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये, और अब इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आप लोगों को याद दिला दें, या जो लोग वीडियो देख ही रहे हैं, इसकी वाक्य शुद्धि संबंधित हम आपको पांच क्लास दे चुके हैं, नियम तो और भी है, पांच क्लास दे चुके हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अभी एक इसमें बर्तनी संबंधित, यानी जो शुद्धि आती है, जैसे हम छोटे छोटे शब्दों को कैसे सुधारते हैं, थोड़ी सी इसमें कुछ व्यवहारिकता, वर्ण की और मात्रा की भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, एक क्लासेस की और लेंगे। इसके बाद ये पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और गारंटी है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो कहीं भी कोई असहजता वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि में नहीं मिलेगी। तो आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।